पंजाब को पांच दरियों की धरती कहा जाता है, मगर उन पांच दरियों में से एक दरिया सतलुज है जो कि जालंधर और लुधियाना के बीच है। मैं बताया जा रहा है कि कभी ये दरिया भारत और पाकिस्तान की प्यास बुझाता था, मगर आज ये खुद ही साफ पानी को तरस गया है क्योंकि इसमें पंजाब की फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी और गंदगी फेंकना शुरू कर दिया है। वही जब हमारी टीम ने दरिया का दौरा किया तो वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे और लोगों ने अंधविश्वास के कारण जहाँ गंदगी फेंकी थी दरिया का पानी इतना काला और बदबूदार था कि वहाँ पर रुकना मुश्किल था। वहीं हमारी टीम ने वहाँ मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कभी यहाँ पर 30 से 40 फीट पानी हुआ करता था, मगर आज ये खुद ही पानी को तरस रहा है। समय हम सतलुज दरिया के पुल के पास खड़े हुए हैं जो लुधियाना को जलंधर से जोड़ता है। आप देखिए, आप मेरे पीछे आपको दिखाई देता होगा पुल में से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इनको ना ये गंदगी दिखाइए जो दरिया में पड़ी हुई है, आप इनको गंदगी दिखाइए जरा, ये देखिए आप कितनी गंदगी है। इस समय हम पानी के बिल्कुल पास हैं और आप देखिए इतनी गंदगी है यहाँ पर कि प्रशासन को क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ ध्यान नहीं दे सकते प्रशासन। आप देखिए यहाँ पर कौवे और ये देखिए लोगों ने कैसे शंख गुरुओं की फोटो में देखिए आप, आपको दिखाते हैं, ये देखिए काली माता की फ़ोटो है कैसे गिरा के गए हुए हैं लोग। हम इनको अपने घर में रख के कैसे इनकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद इसको कैसे यहाँ पर गंदगी में फेंका हुआ है। क्या हमारा यही धर्म है कि इनकी पूजा करने के बाद इनको हम गंदगी में फेंक दें? क्या इन गुरुओं ने या इन माताओं ने या इन पीर पैगंबरों ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ की हैं उनका सिला इनको ये मिल रहा है कि वो गंदगी में यहाँ गिरे हुए हैं नीचे? आप देखिए कितना गंदगी है यहाँ पर, किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। भरमानिया ये दिखाइए आप कितना गंदा, ओए होए होए कितना गंदा पानी है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए एकदम काला पानी, मेरे को लगता है इतना काले पानी की जब सज़ा किसी को दी जाती होगी तो इतना काला पानी नहीं होता होगा जितना यहाँ पे काला पानी है। ओए होए इतनी गंदगी। हमारी टीम आज आपको सतलुज दरिया की हालत दिखा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस समय ना सतलुज दरिया में घूम रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पे गंदगी है और कैसे 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 लोग यहाँ पे अंधविश्वासी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप, ओ उन लोग देखिए अपनी रोजी रोटी इकट्ठी कर रहे हैं उसमें से जो लोगों ने फेंका हुआ है, आप देखिए वो लोग कैसे इनको इकट्ठा करके अपना घर चलाते होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इनसे भी बात करवाऊँ, आइए मैं चलते हैं उनके पास बात करने के लिए। ये देखिए अपनी रोजी रोटी का जो इनका मसला है लोगों के अंधविश्वास से चलता है, जो लोग अंधविश्वास से यहाँ पे नारियल फेंक के जाते हैं इनको जो इकट्ठा करके क्या करते हैं हम इनसे पूछेंगे। नमस्कार भाई जी। पता मैं नहीं कभी बोले हमारा। आप नहीं बोले कभी भी? नहीं, आप ये नारियल इकट्ठा कर रहे हो यहाँ से, ये आप इसको क्या करोगे दोबारा? दोबारा की करने है महाराज, ये आते बेक बुक जानते हैं उसी भी करने। आ देखिए आपने सुना ना कि यही नारियल दोबारा बिकते हैं यहाँ पर, लोगों का अंधविश्वास है। आइए आगे चलते हैं, उधर लोग और लगे हुए हैं, हम आपको उन वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे जहाँ वो लोग लगे हुए हैं क्योंकि रास्ते में देखिए कितना गंदा पानी है। तो मैं कहूँगा अपने कैमरा मैन से कि आप इनको यहीं से झूम करके दिखाने की कोशिश करिए। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है। ये सतलुज का जो दरिया है, कभी कहते हैं कि पंजाब जो था ना पांच दरियाओं की धरती हुआ करता था, उनमें से एक दरिया ये था, उनमें से एक दरिया ये था। आप देखिए आज वही दरिया जो पूरे पंजाब हिमाचल और राजस्थान जहाँ पाकिस्तान की प्यास बुझाता था, आज वही पानी को तरस रहा है, उसी को भी अपने लिए पानी नहीं मिल रहा है। अगर मिलता भी है तो कितना गंदा पानी है आप देख सकते हैं। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा पानी छोड़ के जाएंगे? बेटा आप कहाँ से आए हो? लुधियाना से। लुधियाना से बेटा, यहाँ पर आपको कितनी देर हो गई आते हुए? सवेरे से आए हैं हम लोग तो। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो है? क्या कर रहे हो यहाँ पर? सिक्के काट रहे हैं। सिक्के निकाल रहे हो जो लोगों ने फेंका हुआ है? हाँ। सुबह से कितना सिक्के मिल गए आपको? थोड़े मिले होंगे, 50-60। 50-60 मिल गए, यानी आपकी दिहाड़ी पड़ गई, इससे गुजारा हो जाएगा 50-60 से? नहीं तो। नहीं तो आपके मम्मी पापा भी यहाँ पर है क्या? कहाँ पर है वो? उधर वो भी लगे हुए हैं यहाँ पर सफाई करने। मैं कहूँगा इनके मम्मी पापा को दिखाया जाए थोड़ा सा, वो भी देखो आ रहे हैं इसके पापा, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो आ रहे हैं। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है जी?
आप क्या कर रहे हो यहाँ पर जी? सफाई करते हैं ये। आप सफाई कर रहे हो? मगर यहाँ पर तो गंदगी बहुत है, आप बोलते हो सफाई कर। गंदे नाले का पानी भी पा रखा है। गंदे नाले का आपको किसी ने, प्रशासन ने लगाया कि आप खुद लगे हुए? नहीं लगे हैं जी, अपनी मर्जी से लगे हुए। और जो बाकी बंदे यहाँ पर हैं जो उठा रहे हैं, वो कैसे लगे हुए हैं? वो सब ऐसे अपनी मर्जी से लगे हैं जी, अपनी मर्जी से। आपको यहाँ पर रहते हुए कितनी देर हो गई यहाँ पर? मेरे 20 साल हो गया जी। 20 साल? 20 साल में आप थोड़ा सा हमको बताएंगे कि पहले इसमें कितना पानी हुआ करता था इस दरिया में? इसमें पहले 40-30 फुट पानी होता था जी। पहले 40-30 फुट पानी होता था? क्या ऐसा ही गंदा पानी होता था क्या? नहीं जी, पहले बिल्कुल पानी साफ था। लुधियाना वाला पानी जब से छोड़ा है, जब से इस तरह का है। आपके कहने का मतलब है कि जो लुधियाना की इंडस्ट्री है उसने यहाँ पर पानी फेंका हुआ है बीच में, गंदा पानी जो केमिकल युक्त पानी है? तो आप तो बिना नंगे पांव घूम रहे हो, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होता? नहीं जी, कोई नुकसान नहीं है। नहीं, केमिकल युक्त पानी है, केमिकल है, खाद खुजली सब हो जाता है जी, थोड़ा मोटा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। अच्छा, बीच में साफ हो जाता है इसलिए। तो आप यहाँ से सफाई करके क्या निकालते हैं आप यहाँ से? हम लोग को कुछ भी नहीं निकालता जी, पैसे 250 मिल जाते हैं बस। अच्छा, पैसे मिल जाते हैं। जो यहाँ पर बाकी नारियल वगैरह गंदा गुंदा जो पड़ा हुआ है आप उठा के ले जाते हैं? उसका हम लोग को गोताखोरी बंदा है जी। गोताखोरी बंदा है जी। ये इतना गहरा तो है नहीं कि यहाँ पर गोताखोरी करना पड़े? सर अभी पानी नहीं है, आ जाएगा 1-2-4 दिन में पानी आने वाला है। आने वाला है, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं गुरदीप सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़ से। आज जो अपने लुधियाना के पास लोडोबल टोल बैरियर है वहाँ पर आया हूँ, जो सतलुज दरिया है वहाँ का जायजा लेने निकले हैं आज हम, मैं और मेरे साथी राकेश वर्मा जी। हमने यहाँ पर आकर देखा है कि जो लोडोबल टोल बैरियर है, इसके बाद जो सतलुज दरिया है, जो कभी पंजाब वासियों की प्यास बुझाता था, उनके गलों को कभी ये सूखा नहीं रहने देता था, मगर आज हमने यहाँ पर आकर जायज़ा लिया है। यहाँ पर दरिया के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और हमने जब देखा है पानी, जगह जगह पानी रुका पड़ा है, मगर जो पानी चल रहा है हम आपको दिखाएंगे कि वो कितना काला और गंदा पानी है। इसको पीने की तो बात छोड़िए, इस पानी को देखने का भी दिल नहीं करेगा आपका। अगर आप देखेंगे, देखिए कितना काला पानी है। इस काले पानी की वजह जो है वो लुधियाना में जो हमारी इंडस्ट्री है उन्होंने केमिकल युक्त पानी इसमें मिला दिया है। वो अपनी जो वेस्टेज है, गंदगी, इस पानी में मिलाते हैं। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। इसको पीने की तो बात छोड़िए, इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे लोग। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। हम आपको दिखा रहे हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप इनको पूरा जायजा दिखाइए कि कैसा दरिया है और कैसे, देखिए पानी जो चल रहा है कितना गंदा पानी है। आप देखिए, ये देखिए कितना प्लास्टिक, पॉलीथीन, और ये देखिए ऊपर गंदगी कितनी तैर रही है। ये जो गंदगी है, ये सारी केमिकल युक्त गंदगी है और लुधियाना की इंडस्ट्री से निकली हुई, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों वालों ने, सियासी लीडर हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं बड़े बड़े सियासी लीडरों की, ये उनकी मिली भक्त से सब कुछ हो रहा है। ये दरिया कभी पंजाब वासियों क्या हिमाचल की सबकी प्यास बुझाता था। आप देख सकते हैं इधर कैसे गंदगी है, और यहाँ पर जो रेत होती थी, रेत भी माफिया का भी कब्जा रहा है इस पर। अभी तो यहाँ पर रेत माफिया को कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो पानी है वो कितना गंदा है, आपको हमने दिखाया। हम आपको ना यहाँ की गंदगी भी दिखाएंगे कि कितनी गंदगी है, जो लोगों में अंधविश्वास है। लोग अंधविश्वास की वजह से जो यहाँ पर फेंक के जाते हैं, अपना जो भी पंडित उनको बोलते हैं, टूने टोटके जो होते हैं वो करते हैं लोग, यहाँ पर अपने उपाय करने के वास्ते इस पानी को कितना गंदा कर रहे हैं और कितना यहाँ पर पोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए लोगों ने कैसे यहाँ पर चादरें फेंकी हुई है। ये क्या, इससे क्या होगा कि लोगों की जो समस्या है वो हल हो जाएगी, पंडित बताते हैं। आप देखिए ये पानी के अंदर, ये देखिए कैसे लोगों ने गंदगी फेंकी हुई है। अगर इस पानी को हम कहेंगे कि इंडस्ट्री वालों ने ही इसको गंदा किया तो नहीं, हम कहेंगे कि इसमें हमारा भी पूरा उतना ही हाथ है जितना कि इंडस्ट्री वालों का है। आप ये देखिए कैसे यहाँ पर टोटके किए हुए हैं लोगों ने, और देखिए हम आपको दिखाएंगे किसी गरीब को देने की वजह से। अगर कोई गरीब हमसे कोई चीज़ मांग ले ना तो हम नहीं देते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक काली दाल, जिसको हम लोग मसूर की दाल बोलते हैं,
काले कपड़े पे बिछा के कैसे फेंकी हुई है। अगर यही दाल किसी गरीब के मुंह में जाती तो वो हमें दुआएं देता, मगर इन लोगों ने क्या यहाँ फेंकनी मंजूर की मगर किसी गरीब को देनी नहीं समझी। ये देखिए आप 10 का नोट, क्या पंडित ने इनको बोला होगा कि 10 का नोट आप फेंकिए यहाँ पर? देखिए, और देखिए मटका, गंदगी कितनी फैली हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इस पानी को कहते हैं कि पानी जीवन होता है, मगर हम लोग अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को क्या देंगे? अगर देंगे तो ऐसा गंदा पानी। ये देखिए आप इधर भी देख सकते हैं, ज्यों तिल कैसे फेंके हुए हैं लोगों ने। किसी गरीब को कपड़ा नहीं देंगे, ऐसे फेंकेंगे। आप देख सकते हैं कितने कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पर, प्रशासन भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। आप देखिए कहाँ तक तंबे तक फेंके गए हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। अगर हम ये देखिए आप नीचे कैमरा में रिजेश जी दिखाइए नीचे, ये देखिए पानी कितना गंदा है। देखिए उधर देखिए थोड़ा साफ़ है, और इधर कितना गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो केमिकल युक्त पानी होता है, जो जिसको जगह नहीं मिलती है, केमिकल एक जगह जमा हो जाता है और जो चलता पानी होता है वो निकलता रहता है। आइए हम आगे भी आपको दिखाते हैं कैसे लोगों ने मटके फेंके हुए हैं यहाँ पे, सिरहाने मटके। आज हम इसीलिए निकले हैं कि देखें हमारे पंजाब में कितना अंधविश्वास है। देखिए जी ये मटके कैसे फेंके हुए हैं यहाँ पर, उल्टे कर करके फेंके हुए हैं, मगर किसी गरीब को कोई एक रुपया दे के राजी नहीं है, और यहाँ पर पानी में फेंक देंगे। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। मेरा तो प्रशासन से यही मैं कहना चाहूँगा कि कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए, इस तरफ ध्यान दीजिए। आप देखिए वो दूर देखिए, क्या वो एक तंबा होता था पुराने ज़माने में, कहते थे कि इसको फेंको तो कोई ना कोई मुसीबत टलती है। मेरे को तो नहीं लगता कि मुसीबत टली होगी, क्योंकि वो वहीं रुक गई है। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं, मैं कहूँगा राजेश जी साइड हो जाइए, यहाँ पर कीचड़ है थोड़ा। आइए हम आपको यहाँ का हाल दिखाते हैं, ये देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर, दरिया है। देखिए यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, और अगर कुत्ते घूम रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इनके खाने लायक होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है दरिया में। अगर हम ना इस समय दरिया के अंदर घूम रहे हैं, मैं अपने साथी को कहूँगा आप पुल भी दिखाइए इनको, इनको पता चले कि यहाँ पर लोडूबल टोल बैरियर जो सतलुज का पुल है वहीं पर हम हैं। हमने टीवी वन इंडिया की टीम ने आज प्रशासन के आगे ये जो सतलुज दरिया का मसला है वो पब्लिक के आगे रखा, और हमने इस अपने टीवी के जरिए या अपने चैनल के जरिए लोगों तक ये मसला पहुँचाया है। अब हम देखेंगे कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, और कितनी जल्दी इस तरफ ध्यान देकर इस दरिया की सफाई करवाता है, और इसमें कब तक पानी आएगा, जो गंदा पानी है वो कब तक बंद होगा। इसमें से हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको साफ स्वच्छ पानी मिल सके। मैं कैमरामैन के साथ गुरदीप सिंह, टीवी वन इंडिया न्यूज़ जालंधर। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए गुरदीप सिंह के साथ बलप्रीत सिंह की रिपोर्ट, जालंधर लुधियाना।